हरदा जिले के सोमगांव के किसान नरेंद्र टाले ने अपनी 10 एकड़ की जमीन में चने की फसल लगाई थी, लेकिन बीते दिनों हुए मौसम के बदलाव के चलते चने की फसल पूरी तरह से खराब हो गई, जिसके बाद में अब किसान ने अपनी 10 एकड़ की फसल अपनी मवेशियों के हवाले कर दी। वहीं किसान ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिन हुए मौसम में बदलाव के चलते चने की फसल में नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई नहीं कर सकता। अब उसने अपने जो चने की फसल है उसको अपने मवेशियों के हवाले कर दिया है, ताकि मवेशियों को चराई से खेत साफ कर सके। कृषि विभाग ने जिले के किसानों के लिए एक विशेष कैंप आयोजित कर ग्रामीण किसानों को फसल के बारे में एवं अन्य बीमारियों के रोकथाम हेतु जानकारी प्रदान की जा रही है। कृषि अधिकारी एवं वैज्ञानिक विशेष रूप में शामिल होते हैं, किसानों की समस्याओं का तत्काल निराकरण कर रहे हैं। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नरेंद्र काले, सोमगांव कल्ला का रहवासी हूँ। मैंने 10 एकड़ में चने बोए थे तो वो करीब उसमें से 5 एकड़ के खराब हो गए मौसम की वजह से। मैं मवेशियों को चरा रहा हूँ उसमें। इसमें कोई आवेदन दिया नहीं? दिया अभी तक, अभी नहीं दिया, अब देना उसमें आवेदन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।